एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस जातक को जातिका को अपनी पितृक संपत्ति प्राप्त होगी। इसके लिए आपको लग्न कुंडली का चौथा भाव, आठवां भाव और ग्यारह भावों को देखना चाहिए तथा उनके स्वामियों को देखना चाहिए। अगर उनका आपसी संबंध बन रहा है तो आपको पितृक संपत्ति प्राप्त होगी। अगर आपकी कुंडली में दशम भाव को बृहस्पति देखता है या बैठा है तो भी आपको पितृक संपत्ति प्राप्त होगी। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं कि जो भी आपकी कुंडली हो, जो भी लग्न हो, आपका लग्न मजबूत होना चाहिए। लग्न का स्वामी का मजबूत होना चाहिए, साथ में चौथा भाव, आठवां भाव, ग्यारह भाव के मजबूत स्थिति होना चाहिए। मजबूत स्थिति का अर्थ है कि उनके अच्छे अंशों में हो तो उसको मजबूत कहा जाएगा। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो भाव है, चौथा भाव, उसका स्वामी बनता है चंद्रमा, वो आपका अष्टम भाव में बैठा है, आठ नंबर की अपनी मित्र राशि में बैठा है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि आठवें भाव को में जो चंद्रमा बैठा है उसको आठवें भाव का स्वामी मंगल भी देख रहा है। तो इस तरह से चौथे भाव और आठवें भाव का आपसे संबंध हो रहा है। और हमने बोला था ग्यारह भाव जो आपका लाभ भाव है उसका जो संबंध भी देख सकते हैं कि शनि की दसवीं दृष्टि आपके चौथे भाव पे पड़ रही है। तो ये आपसी संबंध ये दर्शाता है कि जातक को पितृक संपत्ति प्राप्त होती है। और एक सूत्र ये भी बताया कि अगर कुंडली में कहीं भी बृहस्पति अगर अष्टम भाव को देखता है, वो भी अगर उस लग्न के कारक होता है तो वो भी पितृक संपत्ति देता है। तो यहाँ पे बृहस्पति भी ऐसी स्थिति में है, अगर सिर्फ बृहस्पति को ही देखा जाता है तो भी ये पितृक संपत्ति दिलाने का कार्य करता है, क्योंकि यह बृहस्पति यहाँ पे योग कारक है इस लग्न के लिए। तो इस तरह से आपने देखा कि आपकी कुंडली में ऐसे योग बनते हैं तो ये दर्शाता है कि आपको पितृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बना देता है। तो आपको भी अगर हमारी चैनल अच्छी लगती हो तो हमारी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ में आप हमारे से कंसल्टेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।